भाषण देने से कुछ नहीं होगा, ये भाषण 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, ये भाषण के बाद हम भी उठे आप भी उठे, पर ये बातें जब हृदय में आएंगी और एक भी मैया ऐसे भाव जीवन में रख लेगी, तुम तो पुत्र को कोई गाली दे दे तो उसका ऐसी तैसी करने पर राजी हो जाओगी, पुत्र को चोर को भी चोर कोई कह दे तो उससे छाती पीट के लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, हमारा बेटा चोर तुम्हारा चोर, क्या मतलब है तुम? और खासकर जब गुरु संत और ऋषि की बात आए तो कैसे उनके प्रति जीवन में भाव रखना चाहिए। और आप तो हम सब कैसे लोग हैं, भारतवर्ष के लोग, आपको पता ही है, छोटी सी कोई बात पड़ जाए, अरे गुरुजी ने, अरे गुरुजी बेकार, अरे गुरुजी ने, हम ऐसे ऐसे गुरु बहुत देखे, अरे क्या बात है, काई को इतना महाभारत सुनते हो, किस लिए आप इतने भागवत का अध्ययन करते हो, किस लिए इतने श्रवण करते हो, किस लिए इतने पाठ हो रहे हैं, पारायण हो रहे हैं, किस लिए इतनी कथाएं हो रही हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, द्रौपदी मैं ये सोचा करता था कि हम पांडवों की पत्नी होकर तुम धन्य हो गई हो, पर आज मुझे पता चला हम तुम्हारे पति होकर धन्य हो गए हैं, जो द्रौपदी जैसे के पति, ये भाव आज मुझे प्राप्त हो, मैं धर्मराज हूं पर धर्मराज होकर भी मेरे मन में ये भाव आता है हम धन्य हो गए द्रौपदी। महाराज द्रौपदी ने, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खड़े हैं, हम भीम तो उछल रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए मारेंगे इसको, खत्म करेंगे, अभी ये करेंगे। भगवान ने कहा भाई ये तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोला नहीं मार सकते, गुरु पुत्र हैं, इनका वध नहीं किया जा सकता। बोला ठीक है, पर आताताई बधा रहा, दो दो नियम बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं गुरुपुत्र का विप्र का वध नहीं किया जा सकता, लेकिन आताताई को छोड़ा नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा महाराज सॉल्व कर रहे हो कि और फंसा रहे हो, ये हल दे रहे हो कि फंसा रहे हो, बताओ। एक तरफ कह रहे हो मारा नहीं जा सकता, एक तरफ कह रहे हो मारे बिना छोड़ना नहीं होगा। भगवान ने कहा तुम अर्जुन हो, ऋजु हो, अर्जन करने वाले हो, मैं जो कहता हूं तुम ही समझते हो, समझ लो क्या कह रहा हूं। बस फिर क्या हुआ, मस्तक से मणि निकाली गई, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली गई। मस्तक से मणि निकालने का अर्थ है मणि ही विद्या है, मणि ही विभूति है, मणि ही प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा विहीन करके, विद्या विहीन करके अगर किसी मनुष्य को छोड़ा जाए तो मृत्यु तुल्य ही है, लाश के जैसा है। वो सौ के जैसा मनुष्य है जिसके मति अब न रह गए हो, सुमति न रह गए हो। सुमति नहीं है तो मनुष्य कैसे, मर गए आप, खत्म हो। जहां सुमति तह संपति नाना, जहां कुमति तह विपति निदान।